यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा औसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर तुमको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, वरना अगर तुम बीच में से अपडेट्स को स्किप कर दोगे तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि Zen Drago X ये तो यार सियापा हो गया। इसी के साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम 50,000 के परिवार बनने के काफी ज्यादा करीब है, यानी कि वो माइलस्टोन बहुत ही जल्दी क्रॉस होने वाला है। तो यार सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, क्योंकि वो फ्री है, ऊपर से आपको सारी की सारी अपडेट्स एकदम पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी मिस नहीं करोगे। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है कार्टून नेटवर्क के तरफ से, क्योंकि वहां पर एक नई शो आने वाली है जिसका नाम है टैफी, जो कि एक फ्रेंच एनिमेशन है ओगे एंड द कॉकरोचेस ज़िग एंड शार्को की तरह। तो ये आएगी कार्टून नेटवर्क पर कल शाम 5:30 बजे। तो अगर आपको देखना है तो आप देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो यार हमारी अगली अपडेट है ओनली फैंस के वेबसाइट की तरफ से, जो कि एक काफी अजीब सी और काफी वेबसाइट है। वहां पर एक लड़की को दरअसल क्रिटिसाइज किया गया था डीमन स्लेयर के कैरेक्टर नेजुको का कॉस्प्ले करने के लिए। अब क्यों क्रिटिसाइज किया था, कैसे कर दिया था, ये तो आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगी। तो भाई अगर आपको वो इंटरेस्ट है पढ़ने का तो लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार हमारी अगली अपडेट है वन पीस के बारे में, क्योंकि वन पीस के कैरेक्टर ज़ोरो का स्टैचू जापान में बन चुका है, जो कि काफी माइंड ब्लोइंग चीज है भाई। यानी कि वन पीस एक बहुत ही बढ़िया एनिमे है और ज़ोरो दरअसल एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है भाई। He is one of my favorite One Piece character। और भाई इसका स्टैचू जापान में बन गया, जो कि काफी कमाल की बात है यार। जापानीज लोग भी काफी ऑसम होते हैं यार। तो यार हमारी अगली अपडेट शिनचैन की तरफ से, क्योंकि शिनचैन समर कैंप की एक स्पेशल एपिसोड आने वाली है हंगामा चैनल पर कल दोपहर 3:30 बजे। तो अगर आपको ये देखना है आप देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो यार हमारी अगली अपडेट फिर एक बार शिनचैन की तरफ से है, क्योंकि शिनचैन एक्शन गामे वर्सेस हाइकुरे राक्षस हंगामा चैनल पर आने वाली है कल 8:00 बजे। तो आप इसे भी देखकर एंजॉय कर सकते हो, जबकि ये मूवी पहले ही 10-12 मेरे ख्याल से 100-200 बार आ चुकी है, पर फिर भी यार शिनचैन है, देखकर एंजॉय कर लेना। तो यार अब मैं बताऊंगा आपको गर्लफ्रेंड के बारे में। जी हाँ, आप कैसे एक गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकते हैं, जी लिटरली। तो यार इस पर एक मांगा बनी है जिसका नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। तो यार इसकी मांगा बहुत समय बाद एक वीक के हायटिस यानी कि एक शॉर्ट ब्रेक के लिए जाने वाली है। तो आप सोच रहे हो ये कैसा नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड, यानी कि क्या। तो भाई आप ये मांगा पढ़ सकते हो, बहुत ही औसम है ये, आपके दिमाग के साथ थोड़ी खिलवाड़ कर सकती है, तो यार उस बात का ध्यान देना। बट दरअसल ये बहुत ही औसम है, तो अगर आप अंडर है जो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में देख लेना, वरना तो भाई मजे ही मजे है इसमें। तो यार हमारी अगली अपडेट है टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड एनिमे इन जापान इन 2021। तो और इसे टॉप किया है डीमन स्लेयर ने, जो कि भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीमन स्लेयर इज एक्चुअली वेरी गुड। पर अगर 2022 की बात करूँ तो आई होप क्या, मैं एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई डीमन स्लेयर एक्चुअली दरअसल अच्छा है, पर भाई अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 अलग ही लेवल का है। तो यार 2022 की जब लिस्ट आएगी तो उसमें नंबर 1 पर अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 आराम से होगा ही होगा। तो यार हमारी अगली अपडेट है पोकेमॉन की तरफ से, क्योंकि पोकेमॉन डिज्नी चैनल पर आ रहा है। जी हाँ, ये क्या हो गया, मार्वल एचक्यू को पोकेमॉन ने धोखा दिया, या फिर हंगामा के साथ ये खिलवाड़ हो गया, आई डोंट नो। बट पोकेमॉन डार्क राई दोस्त या दुश्मन की मूवी डिज्नी चैनल पर आ रही है कल शाम 7:00 बजे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि पोकेमॉन की कोई मूवी डिज्नी चैनल पर आ रही है, एक ब्लैक एंड व्हाइट की मूवी भी डिज्नी चैनल पर आई थी, और उसके बाद बहुत महीनों बाद लिटरली पोकेमॉन डार्क राई दोस्त या दुश्मन की मूवी डिज्नी चैनल पर आ रही है, जो कि काफी बड़ी बात है। अब हमारे लिए बड़ी बात इसी है क्योंकि हमने कभी पोकेमॉन को डिज्नी चैनल के साथ ऐसे इमेजिन किया नहीं है। हाँ, भले डिज्नी की कंपनी पोकेमॉन यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करती है, पर फिर भी वो मार्वल एचक्यू या हंगामा पर करती थी, कभी हमने ये नहीं सोचा कि भाई डिज्नी चैनल भी पोकेमॉन दिखाएगा। बट बहुत सारे देशों में जहाँ पर मार्वल एचक्यू हंगामा नहीं है, वहाँ पर डिज्नी चैनल पर ही पोकेमॉन आता है। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ गुड टू सी पोकेमॉन ऑन डिज्नी, क्योंकि भाई अलग ही वाइब आती है ना, यानी कि आप हंगामा पर देखो, मार्वल एचक्यू पर देखो, पर जब डिज्नी पर देखते हो ना, पोकेमॉन की अलग वाइब बाती है। तो आई गेस फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है पोकेमॉन की कोई सीरीज या फिर एपिसोड्स को भी ये डिज्नी पर दिखा सकते हैं, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यार आज के अपडेट्स के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब
कर देना और कमाल के अपडेट्स के लिए। और इसके साथ अगर आप यहां तक देख रहे हो, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना और हमें अपने सेकंड चैनल Zen Dino Y पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर हम पोकेमोन की गेमिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। और बहुत ही जल्दी यानी कि 28 या 29 जनवरी को हम पोकेमोन की लेटेस्ट गेम लेजेंड अर्केस का गेम प्ले भी वहीं पर करेंगे। तो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वो गेम बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है। तो यार तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, खुद का ख्याल रखें, ऐसे बुरे वक्त में की वॉचिंग Zen Dragon X।